हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये शाही मटर पनीर बनाने की रेसिपी, जिसे चाहे आप अपने कोई त्यौहार पे बनाएं, किसी स्पेशल ओकेजन पे यानी कि बर्थडे पार्टी, किसी की एनिवर्सरी हो तब बनाएं, चीट डेज पे बनाएं, वीकेंड्स पे बनाएं या शादियों में बनाएं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके हर ओकेजन पर चार चांद लगा देगी। ये है परफेक्ट शाही मटर पनीर की रेसिपी, जो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाएं अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें डाला एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता और एक चम्मच ज़ीरा, साथ में 2 से 3 हरी इलायची और लौंग, और एक ये बड़ी प्याज ली है मैंने, जिसको फाइनली डाइस कर रखा है। और बस इसको स्टर फ्राई करेंगे अब, जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। तो बस प्याज को पका लेंगे, हल्का सा सुनहरा ये हो गई है, इसको एक बार चला लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपको प्याज को नहीं करना है। जब इस तरीके से ये हल्की सी सुनहरी हो जाए तो इसके अंदर डालें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ये 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं। और इसको कुछ सेकंड्स तक हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। लें अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल करें और उसको बस सिंपली ब्लेंडर में चलाकर पीस लें, और इस तरीके से जो टमाटो का प्योरे है वो इसमें डाल दें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो जब तक टमाटर हमारे पकते हैं तब तक कुछ तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रोज़न मटर लिए हैं, जिसको पानी में भिगो दिया है। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। साथ में 1/2 कप पानी में ये 10 से 12 काजू 5-7 मिनट के लिए भिगो के रख दिए हैं। 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको इस तरीके से थिक क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही हमारे काजू सॉफ्ट हो गए, इसको एक ब्लेंडर जार में डाल दिया थोड़े से पानी के साथ, और 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डालें आप खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। इसको एक पेस्ट बनाना है हमें थिक सा, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, ये देख सकते हैं आप। और बस इसको पीस लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। देखिए आप किस तरीके का बनाइए, इस तरीके की थिक सी थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे, बहुत पतला ना बनाए इस पेस्ट को पानी डाल के। और बस इसको रख देंगे अब हम साइड पर। अब जो हमारे टमाटर पक गए हैं उसमें डाल देते हैं नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ही धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। मिक्स करेंगे। और अच्छे से मसालों के साथ पकाएंगे इसको, जब तक कि जो है तेल इसमें से अलग ना होने लग जाए। तो जैसे ही तेल अलग हो जाए उसमें डाल देंगे हम मटर, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको मटर के साथ। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करा है, तो फ्रोज़न मटर जो है थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा आपको, जब तक कि मटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन ढक दिया है और इसको ढक्कन ढक के धीमी आँच पर 4-5 मिनट तक के लिए मैं पकाऊँगी। और उसके बाद ये चेक कर लेते हैं, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। और मीडियम फ्लेम पे इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से हम भून लेंगे। और ये देखिए तेल इसमें अच्छा बिल्कुल अलग हो गया। तो इस टाइम पे हम डालेंगे जो काजू और मेलन सीड्स का पेस्ट हमने बनाकर रखा था, वो हल्का सा पानी उसमें डालकर इस तरीके से आप मिक्स कर दें। तो अच्छे से इसको जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि काजू की ये टेंडेंसी है, जैसे आप काजू किसी चीज़ में डालेंगे तो उसकी थिकनेस एकदम क्रीमी हो जाता है, थिक हो जाता है टेक्सचर जो है ग्रेवी का। तो आप इसको लूजन करने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें और बस अब इसको पकाएं। सिर्फ काजू और खरबूजे के बीज के साथ ही आप देखेंगे इससे क्या होगा, ग्रेवी का रंग एकदम आपका बिल्कुल शाही ग्रेवी जो होती है वैसा हो जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर हो जाता है क्रीमी ग्रेवी का। और तीसरी चीज़, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड हो जाता है सिर्फ काजू और मेलन सीड से ही, और कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही थोड़ा सा इसको पका लें उसके बाद इसमें डाल दें 1.5 चम्मच कसूरी मेथी और इसको मिक्स करें। तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रेवी कितनी लाजवाब इसकी दिख रही है। तो बस इसी तरीके से इसको पकाएंगे। अगर थोड़ी सी थिक लगे आपको ग्रेवी तो आप उसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं और फिर इसको पकाएं। कंसिस्टेंसी सेट कर लें अपने हिसाब से, जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए। और हल्का सा इसको पकाने के बाद जब ऑयल ऊपर तले पे नजर आने लग जाए तो इसमें डाल दें पनीर के क्यूब्स। थोड़े से थिक पनीर क्यूब्स काट के जब हम डालते हैं तो पनीर जो है एकदम टूटता नहीं है ग्रेवी में पकाने से। एक अलग सॉफ्ट थिक पीसेस पनीर के बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं ग्रेवी में। मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरीके से। और बस अब हमें ज्यादा देर इसको नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट ही हम इसको पकाएंगे ढक्कन ढक के धीमी आंच पर पनीर के साथ। तो ये देखिए कितना डिलीशियस ऑलरेडी दिख रहा है और कलर कितना अच्छा आया है। इसमें कुछ और चीज़ आपको नहीं डालनी है, कोई कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ काजू और मगज से बना हुआ ये शाही मटर पनीर देखने में जितना लाजवाब लगता है खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बनकर आता है। तो बिल्कुल ये हमारा पककर तैयार है, बस लास्ट में हम कुछ चीज़ें और डालेंगे इसमें और बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये बनकर। तो इसमें अब डाल देते हैं कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्चें, ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो ना डालें हरी मिर्चों को, और 1 चम्मच गरम मसाला। और अच्छे से इसको करेंगे अब मिक्स। और बस कुछ सेकंड्स 1 मिनट तक के लिए इसको पकाएं धीमी आंच पर, जब तक ऑयल जो है तले पर ना आ जाए, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसको गर्मा गर्म आप करें सर्व। तो लाजवाब शाही मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। बटर नान, गार्लिक नान, पराठा, रोटी या ज़ीरा राइस किसी भी चीज़ के साथ बनाएं और खाएं। तो बस ट्राई कीजिए ये अमेजिंग शाही मटर पनीर और ज़रूर से लिखकर बताइएगा अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर से दीजिएगा, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलती हूँ अभी और एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊँगी बहुत जल्दी। तब तक इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।